दारुलपन ने जो अपील की है, क्या इससे जो है सांप्रदायिक स्वार्थ को नुकसान पहुंचेगा? ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग पूरी आज़ादी सब लोगों को है, कहीं किसी ट्रेन में, बस में, शहर में, रिक्शा में, मोटरसाइकिल से, गांव में, शहर में, कहीं सब जगह लोग जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं और लोगों को भी जाते जाते देख रहे हैं, कहीं किसी कोई शिकायत नहीं है। कल हम नूनाबड़ी में थे, वहाँ हमने पूरा कम से कम 5-6 घंटे गाँव में हम रहे, लोगों से हमने बातचीत की है, पूरा मुस्लिम बाहुल जो है गाँव है वहाँ पर किसी तरह का, देश में किसी तरह भी, कहीं पर भी, देश में, स्टेट में, गाँव में, बस्ती में, मोहल्ले में, कहीं कोई टेंशन नहीं है इस तरह की। पता नहीं कैसे लोग ये अपनी तरफ से इस तरह के जो है स्टेटमेंट या फतवे, नोटिस जारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को आज़ादी, घूमें फिरें, पूरा 26 जनवरी है देश की आज़ादी का, मनाइए आप, उसको कौन रोकता है आपको कोई? ये तो देश के स्वार्थ के लिए, देश के लोगों के एकता के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। दारुल उलूम अनाफ शनाफ फतवे जारी करके देश के अंदर सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करना चाहता है, जो देश के अंदर कानून व्यवस्था सुचारू रूप से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने तैयार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के अंदर कानून व्यवस्था तैयार की, उस कानून व्यवस्था को छिनभिन करना चाहता है। ये चाहता है कि मेरे आतंकवादी, जिनमें मैंने शिक्षा दी, जिन्हें मैंने बढ़ावा दिया, उन आतंकवादियों को मैं बचाऊं। और मुझे तो ऐसा लगता है इसके अंदर कोई साजिश भी हो सकती है, देश के अंदर कोई उल्टी सीधी हरकत कराने के लिए दारुलूम इस तरीके के अपने फतवे जारी कर रहा है उल्टे सीधे। तो क्या 26 जनवरी को लेकर इस तरह का जो अपील है, क्या कुछ इस तरीके की अनाप शनाप अपील नहीं करनी चाहिए 26 जनवरी के दिन? देश को सांप्रदायिकता में झोंकना चाहते हैं लोग, देश हर्षोल्लास से इस त्यौहार को मनाता है, ये राष्ट्रीय पर्व है, और इसके ऊपर इस तरीके के फतवे जारी करना ये अच्छी बात नहीं है।